हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर फोर ऑफ आर बी एस सी क्लास टेन इंग्लिश एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टेल ऑफ द बिश्नोइज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑथर का फुल इंट्रोडक्शन टेक्स्ट की फुल समरी साथ ही साथ लाइन टू लाइन रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट पूरे चैप्टर को हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे और इसके साथ ही जो टफ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर जो ऑथर है जो लेखक हैं माधव धनंजय गाडके उनके बारे में हम देखेंगे दट ही वॉज बोर्न इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी टू उनका जो जन्म हुआ था इज एन इंडियन इकोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट होते हैं पर्सन वन हुय फॉर इकोलॉजी जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की, की केयर करते हैं उनके बारे में एक्शन लेते हैं हमारा जो संपूर्ण पर्यावरण है हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में तो ये माधव धनंजय गाडगिल ये एक इंडियन इकोलॉजिस्ट एको, है एकेडमिशियन एंड शिक्षाविद है राइटर है कॉलमनिस्ट है एंड द फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस इवन उन्होंने सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस को भी स्थापित किया ही इज अ रेसिपेंट ऑफ द वोल्वो एनवायरमेंट प्राइस एनवायरमेंट के लिए पर्यावरण के लिए किए गए इनके कामों की वजह से इन्हें वॉल्वो एनवायरमेंट प्राइज भी दिया गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम द फोर्थ हाइस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द पद्मश्री इन नाइनटीन हंड्रेड एट्टी वन एंड ऑल्सो द पद्म भूषण इन टू थाउजेंड सिक्सटीन जो भारत के सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड्स हैं नागरिक सम्मान जो हैं पद्मश्री और पद्म भूषण उनसे भी इन्हें सम्मानित किया गया इनके कार्यों के लिए एंड इफ वी गो बाय द टेक्स दिस टेल इज़ अबाउट द बिश्नोइज कम्युनिटी दैट ब्रोट अ ड्रेस्टिक चेंज इन द इकोलॉजी ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान बिश्नोईज के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान के मारवाड़ में यहाँ की इकोलॉजी सिस्टम में पारिस्थिति के तंत्र में एक बहुत ही ड्रेस्टिक यानी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का चेंज जो है वो लेकर आए थे ये पूरी कहानी उन्हीं के बारे में है दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज वी आर ट्रीज एंड एनिमल्स वर नॉट इन अ सफिशियंट नंबर मारवाड़ एरिया जो है बिना पेड़ों का बिना जानवरों का एक इतना सूखा एरिया था बहुत सालों तक बट द बिश्नोईज सेक्रीफाइज दर लाइफ टू तो गार्ड द खेजड़ी ट्रीज एंड डिड अ बिग प्लांटेशन इन द एरिया दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ए ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स बिश्नोईज ने इस एरिया में हरियाली लाने के लिए और यहाँ के जानवरों को बचाने के लिए अपने लाइफ तक जो है वो सेक्रीफाइस कर दी थी उनका बलिदान कर दिया था एंड ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर so here we start द टेक्स्ट today मारवाड़ इज अ treeless waste वेस्ट ऑफ सेंड एंड रॉक्स मारवाड़ एरिया जो है राजस्थान का साउथ वेस्टर्न पार्ट है जो थार की डेजर्ट एरिया का हिस्सा है अगर आज के टाइम में हम मारवाड़ को देखते हैं तो ये एक ट्रीलेस, बिना पेड़ों का वेस्ट है बर्बादी यानी एक बैरन लैंड है बंजर जमीन है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंड है यानी मिट्टी है और रॉक्स यानी हैं द ओनली ग्रोइंग थिंगस आर थोर्नी श्रब्स अ फ्यू टफ्ट ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास एंड एन अकेजनल स्टेंटेड बेर और बबुल ट्री यहाँ जो है अगर हम बात करें कि ओनली ग्रोइंग थिंग्स इस एरिया में जो ग्रो होती है उगती है वो सिर्फ क्या है थोरनी श्रब्स थोरनी यानी कंटेली और शर्ब्स यानी झाड़ियाँ अ फ्यू टफ्ट ऑफ शोर्ट रफ ग्रास कुछ एक टफ्टफ्ट यानी झुंड जिसको आप कह सकते हैं छोटी छोटी रफ ग्रास जो है घास उगती है एंड एन ओकेजनल ओकेजनल यानी कभी कभार उगने वाले स्टंटेड स्टंटेड झुके हुए जो पूरी तरह से डेवलप ना हुए हो ऐसे बेरिया बबुल के पेड़ है यानी इस पे, एरिया में मारवाड़ के एरिया में सिर्फ और सिर्फ चट्टाने और मिट्टी है वेजिटेशन के नाम पर यहाँ सूखी हुई घास है बट इन क्रेडिबली यू कैन इवन इन द डेजर्ट कम अक्रोस द ओल्ड विलेजेस बट इनक्रेडिबली मीन अविश्वसनीय रूप से इनक्रेडिबलीश्वास करना कठिन हो इवन इन दिजर्ट एरिया में भी कम अक्रोस कम अक्रोस होता है टू मीट बाई चांस अचानक से मिल जाना यानी कि आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन इस डेजर्ट में इस रेगिस्तान में भी आपको मिलते हैं ऐसे ऐसे ओल्ड विलेजेस ओल्ड विचित्र को कह सकते ऐसे ऐसे गाँव है विद ग्रुप वेल नोन खेजड़ी ट्रीज जिसमें झुंड लगे हुए पेड़ों के झुंड को ग्रुप्स कहते हैं छोटा जंगल कहलाता है ये जहाँ छोटे छोटे जंगल है खेजड़ी के पेड़ों के यानी इतने रेगिस्तान में भी कुछ कुछ गाँव ऐसे जहाँ आपको फुल हरियाली देखने को मिलती है द कजन ऑफ द बबुल इज द कल्प वृक्ष द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल फिशेज बबुल की ही प्रजाति का पेड़ है इसीलिए इसको कजन कहा गया बबुल का और ये रेगिस्तान में कल्प वृक्ष के समान है कल्प वृक्ष एक हैवनली ट्री है स्वर्ग का पेड़ जो कि सभी तरह की इच्छाएं पूरी करता है और रेगिस्तान में खेजड़ी को जो है वो कल्प वृक्ष कहा जाता है अ फुल ग्रोन कैमल कैन एन्जॉय मिड डे सिस्टर इन इट्स शेड सिस्टर यानी दोपहर की नींद छोटी सी नींद जो होती है एक फुल ग्रोन कैमल जो है एक पूरा बड़ा कैमल जो है वो इस पेड़ की छाया में दोपहर में सो सकता है इट्स फॉलियज नरिशज गोट शीप कैटल एंड कैमल और इसकी जो फॉलियज है फॉलियज क्या होते हैं प्लांट लीव्स इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो नरिश करती है किसको नरिश करती है किसको पोषित करती है इस पेड़ की पत्तियां कौन खाता है गोट खाती है शीप खाती है कैटल और गाय भैंस भेड़ बकरियां और कैमल इसकी पत्तियों को खाते हैं इट्स पोर्ट्स कैन बी मेड इन टू अ डेलिशियस करी पोर्ट्स यानी फलियाँ इसकी पेड़ की जो फलियाँ होती हैं उनकी एक डेलिशियस करीन सब्जी बन सकते हैं एंड इट्स थूंस गार्ड्स द फार्मर्स फील्ड्स अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स और इस खिजड़ी वृक्ष के जो थूंस हैं यानी जो कांटे हैं वो फार्मर्स के खेतों को गार्ड करते हैं किसान के खेतों में इसकी बाढ़ लगाई जाती है ताकि मैरोडिंग एनिमल्स जो है मैरोडिंग एनिमल्स हम किसको कहेंगे ऐसे एनिमल्स जो चोरी छिपे दूसरों के खेतों में घुस जाते हैं खाने के लिए तो उनसे भी बचाया जाता है तो अभी इस पेड़ की या इन पेड़ों को कैसे उगाया गया उसकी शुरुआत हम पढ़ेंगे वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ नॉट येट कॉनकर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स इट्स वे टूडे वंस अपॉन ए टाइम अगर हम एक बार की बात करें तो ये जो मारवाड़ का डेजर्ट था हैड नॉट येट कॉनकर्ड उसने अभी तक कॉन्कर नहीं किया था कॉन्कर करना मतलब जीत लेना वास्ट टेरिटरी इतने वास्ट इतनी विस्तृत टेरिटरी को एरिया को इसने नहीं जीता था ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टूडे जितना आज के टाइम में इसका विस्तार है यानी अगर सिंपल शब्दों में कहें तो एक बार की बात करें तो मारवाड़ में जो डेजर्ट था रेगिस्तान जो था वो इतने बड़े एरिया में नहीं फैला हुआ था इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज इट इज़ टूडे हालांकि क्लाइमेट जलवायु हमेशा ऐसी रही है जैसी आज है बट द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खिजड़ी ट्रीज लेकिन ये एरिया रेगिस्तानी नहीं था यहाँ थाउजेंड अपॉन थाउजेंड्स हजारों खिजड़ी के पेड़ लगे हुए थे एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर कैर एंड सांगरी जो राजस्थान के लोग हैं वो ये सब जानते हैं बेर कैर और सांगरी यहाँ इस एरिया में बहुत होते थे दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलॉप्स ब्लैक बक चिंगारा एंड नील गाय एंटीलॉप्स ब्लैक बक ये हिरन के ही टाइप है चिंकारा भी हम सब जानते हैं राजस्थान का राज्य पशु जो है और नीलगाय। हजारों यहाँ रहा करते थे एनोनिट्स बाउंटी और इसी बाउंट्री पर बाउंट्री क्या कहते हैं बाउंट्री होती है नेचर का वरदान प्रकृति की जो ये वरदान था हरियाली जो थी इसी बाउंड्री पर लिव्ड द ट्राइबल भील्स ट्राइबल भील्स जो जनजातीय भील लोग थे वो भी यहीं रहते थे इसी मारवाड़ एरिया में जब ये पूरी तरह से हरा भरा था अबाउट थ्री थाउजेंड ईयर्स अको अब तीन हजार साल पहले क्या हुआ जिसको हम बिफोर क्राइस्ट मान सकते हैं ईसा पूर्व की बात मान सकते हैं होर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स बिगेन टू पुअर इंटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया होर्ड्स झुंड होर्ड्स होते झुंड किसके झुंड कैटल कीपर्स पशु पालने वालों के पशुओं को रखने वालों के झुंड आने लगे कहाँ से आने लगे इंडिया में पूरे इंडिया में आने लगे वेस्ट और सेंट्रल एशिया से तो इंडिया में आए सम ऑफ देम स्प्रेड इन टू मारवाड़ उनमें से कुछ लोग मारवाड़ में भी आ गए और अब ये जो कैटल कीपर्स आएंगे तो वो अपने साथ कैटल यानी मवेशियों को तो लाएंगे ही लाएंगे द भील्स रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट हालांकि इस इनक्रोचमेंट को एनक्रोच करना क्या होता है किसी चीज पर जबरदस्ती घुस जाना ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना भील प्रजाति जो यहाँ रहते थे उन्होंने रेसिस्ट भी किया रुका भी प्रतिरोध भी किया बट द इन्वेडर्स हैड होर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स लेकिन जो ये इन्वेडर्स थे घुसपैठिए जो थे उनके पास हॉर्सेस थे घोड़े थे एंड इनके वेपन्स जो थे हथियार जो थे वो भी सुपीरियर्स थे सुपीरियर यानी श्रेष्ठ थे एंड प्रिटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स और जल्दी इन्होंने भीलों को संभाल लिया संभालने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने भीलों पर कंट्रोल कर लिया इन एनी केस द लैंड अपीयर बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड अ लिटिल टूवर्ड्स द अरावलीज क्योंकि ये लैंड जो थी ये जमीन जो थी हर तरह से बाउंडलेस लग रही थी असीम लग रही थी और इस वजह से भील कहाँ चले गए अरावली की तरफ चले गए द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज इन द इंक्रीज धीरे धीरे मारवाड़ की जो जनसंख्या थी वो बढ़ती गई और कैसे बढ़ती गई क्योंकि बाहर से लोग आते गए बट एस सेंचुरीज पास लेकिन अब धीरे धीरे सेंचुरी शताब्दियाँ बीत गई कई सौ साल बीत गए द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन ये लोग यहीं बस गए थे और थोड़े टाइम के लिए तो कंडीशन वैसी रही लेकिन ये जो लार्ज हर्ड्स थे बड़े बड़े जो झुंड थे कैटल के इन्होंने वेजिटेशन को अफेक्ट करना शुरू किया सारी वनस्पति धीरे धीरे खत्म होने लगी द सीडलिंग्स एंड सेपलिंग्स सीडलिंग्स और सेपलिंग्स क्या होते हैं छोटे छोटे प्लांट जो उगते ही हैं वर ग्रेज डाउन वो जैसे ही उगते उनको ग्रेज कर लिया जाता जानवर उन्हें चढ़ जाते एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो उनके बढ़ने के चांसेस ही नहीं बचे इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन द अब जो ये इन्वेडर्स आए थे यानी घुसपैठी आए थे और ट्राइबल जो भील जो जनजाति रह रही थी अब धीरे धीरे उनके लगने लगा कि यहाँ तो लेस एंड लेस चीज़ें ही नहीं है वो अपने आप को कैसे सस्टेन करें कैसे जीवित रखें क्या हुआ भीलों को जीत लिया गया भीलों पर जीत प्राप्त की गई किसके द्वारा राठौर ऑफ कन्नौज कन्होज की जो राठौर थे उन्होंने भीलो को जीत लिया द राजपूत नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड अब पूरे मारवाड़ में हिस्ट्री हमने पढ़ी है राजस्थान की कि पूरे मारवाड़ में जो है वो राजपूतों का शासन हो गया इन द ईयर 1451 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासा अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर आता है बिश्नोईज की हिस्ट्री में वो है 1451 एडी एडी यानी ईसा पश्चात आफ्टर डेथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधा जी जिस टाइम राजस्थान के मारवाड़ में राव जोधा जी का राज्य था वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स राव जोधा जी जिन्हें राठौड़ किंग्स में से वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सबसे बहादुर में से एक माना जाता है उस टाइम क्या हुआ था चौदह सौ इक्यावन में इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इज वेरी स्पेशल चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर पीपासर के गाँव में एक बहुत ही स्पेशल बच्चे का जन्म हुआ हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी फादर जो थे वो गांव के हेडमैन थे हेडमैन मुखिया को कहते हैं ठाकुर लोहाट एंड द मदर ऑफ द चाइल्ड वॉज हमसा देवी द बॉय वॉज कोल्ड कॉल्ड जम्बाजी बॉय को इस बच्चे को कहा गया जम्बाजी आज अ लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर इच फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ़ कैटल एंड शीप जब ये बच्चा छोटा था तो इसका काम क्या था इन्हें जो है वो अपने फादर के जो बड़ा सा झुंड था कैटल और शिप का वो उसका ध्यान रखना होता था इट वॉज ग्रेट फन टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग इस बच्चे को बहुत अच्छा लगता था जब ये जानवरों को बाहर ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था चराने के लिए लेके जाता था लाई इन द शेड ऑफ ए खिजड़ी ट्री वो खुद वहाँ जाकर किसी खेजड़ी की ट्री ट्री की शेड में यानी कि छाया में जाकर लाई लेट जाता था एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक और वो ब्लैक बक जो थे काले जो बक यानी हिरन जो थे उनके झुंड को देखा करता था जम्बा जी वॉज फैसिनेटेड बाय द लाइद लाइड मीन फुर्तीला जम्बाजी जो है बहुत ही फैसिनेटेड होते थे आकर्षित होते थे किस चीज से बाय द लाइट ग्रेस जो फुर्तीली और ग्रेस जो थी शान जो थी ऑफ इज हैंडसम एंटीलोप एंटीलोप भी एक तरह का हिरन है उन्हें बड़ा अच्छा लगता था उस हिरन के फुर्तीलेपन को देखकर एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रोलिंग देन अ फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेक्स स्टेक्स यानी बारह सिंग उन्हें ये लगता था कि कोई भी दृश्य उन दो बारह सिंगों से जो फुल ग्रोन है पूरी तरह से मेच्योर हो चुके हैं उन बारह सिंगों से जो है ज़्यादा एंथ्रोलिंग यानी ज़्यादा रोमांचक उनकी लड़ाई से ज़्यादा रोमांचक कोई भी साइट नहीं है वेन जाम्बा जी वॉज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड अब जब जम्बा जी पच्चीस साल के हुए अ ग्रेट डिजास्टर ओवर टूक द होल रीजन तो उस पूरे रीजन में रीजन मतलब एरिया पूरे रीजन में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर यानी विनाश आया और ये विनाश क्या था द स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ रेन पहले बारिश तो होती थी रेगुलरली लेकिन थोड़ी होती थी बट अभी क्या हुआ सीज्ड ऑल टूगेदर सीज मतलब स्टॉप्ड और ऑल टूगेदर यानी कंप्लीटली अब तो वो बारिश भी कम्प्लीटली खत्म हो गई द वर्स्ट सफरस वर द कैटल और इस बारिश की कमी की वजह से जो सबसे ज़्यादा सफर होने वाले थे पीड़ित होने वाले थे वो कौन थे कैटल यानि मवेशी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो स्टोर्ड इन द हाउस पहले साल में ड्रॉट ड्रॉट यानी सूखा सूखा यानि अकाल अकाल के पहले साल क्या हुआ बाजरा के जो स्ट्रो थे स्ट्रो किसको कहते हैं जो डंठल होते हैं बाजरा के स्ट्रॉ जो थे जो हाउस में स्टोर करके रखे गए थे लोगों ने अपने घरों में स्टोर करके रखे थे बाजरा के डंठल पहले साल जानवरों को वो दिया गया द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड दूसरा साल और भी बुरा निकला देअर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनी वेयर ब्लेड ऑफ ग्रास घास की एक पत्ती भी कहीं नहीं थी पीपल हैक डेट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड हैकिंग मीन कटिंग लोगों को जो भी पेड़ मिलता है वो उसे काट देते हैं एंड फेड द एनिमल्स ऑन इट्स लीव्स और जानवरों को उसकी पत्तियाँ खिलाते बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स लेकिन इतना करने के बावजूद भी इनफ पर्याप्त ब्राउज ब्राउज क्या है यहाँ मीनिंग लीव्स पत्तियाँ इनफ पत्तियाँ नहीं थी उन हंग्री एनिमल्स के लिए उन भूखे जानवरों के लिए इनफ पत्तियाँ नहीं थी एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर एट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स और ये अकाल ये सूखा एक साल दो साल नहीं चला बल्कि एट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आठ सालों तक आठ कंटिन्यूस सालों तक ये सूखा चलता गया द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बेटो फॉलियज फ्रॉम ऑल द ट्रीज लोगों ने हैकिंग एंड हैकिंग कटिंग करते गए लास्ट बिट ऑफ फॉलियज अंतिम जो फॉलियज थी अंतिम लीव्स जो थी अंतिम पत्तियां जो थी पेड़ों की वो तक काट ली विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप और पेड़ जो है पूरी तरह से सूखने लगे थे वैन द स्टोर्ड ग्रीन वॉज एग्जॉस्टेड पीपल एट खिजड़ी पोट्स एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेयर सीड्स वैन द स्टोर्ड ग्रीन वॉज एग्जॉस्टेड आप जितना अनाज इकट्ठा करके रखा हुआ था वो भी जब एग्जॉस्ट हो गया वो भी जब खत्म हो गया तो लोगों ने क्या की खेजड़ी की जो पोर्ड्स थी यानी जो फलियाँ थी एंड द फ्लोर फ्लोर मतलब आटा जो था ड्राई हो चुके बेर के सीड्स बेरों के जो बीज होते हैं बेर के बीज जो थे उनको भी सुखा सुखा कर उनको भी आटा बनाकर वो लोग खा गए कुछ भी नहीं बचा था व्हेन दिस टू वॉज एग्जॉस्टेड अब ये भी जब खत्म हो गया दे टोर द बाग ऑफ द सांगरी ट्री बाक मतलब छाल उन्होंने सांगरी के पेड़ों की छाल भी टोर कर ली टीयर कर ली नहीं, नहीं खरोंच लिया फाड़ लिया वहां से एंड पाउडर्ड एंड उसे भी पाउडर बना के कुकिंग करके खा गए ईच एंड एवरी जो भी उनके पास पॉसिबल था उन्होंने लिया दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टारविंग ब्लैक बक्स इवन जो अब अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया जो ब्लैक बक्स थे काले हिरन जो थे जो स्टार्व हो रहे थे स्टार्विंग यानी भूखे मरना अब लोगों ने क्या किया उन ब्लैक बक्स को हंट करना शिकार करके उन्हें खाना शुरू किया इंसानों ने अपने आप को बचाने के लिए जानवरों को खाना शुरू किया एंड फाइनली दे अबेंडेंड ऑल होप अब फाइनली फिर भी बारिश नहीं आई तो इन लोगों ने अबेंडन कर दी यानी छोड़ दी सारी की सारी उम्मीदें ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासेस माइग्रेट करना क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ये लोग वहाँ से चले गए पलायन कर गए टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे रास्ते में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स हजारों जो कैटल्स थे जो मवेशी थे वो पेरिश्ड हो गए पेरिश मतलब डाइट मर गए डिस्ट्रॉयड हो गए बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन अब तक पूरा एरिया पूरा देश जो बैरन हो चुका था बैरन का मतलब क्या होता है बंजर हो चुका था देर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टूगेदर मीलों दूर तक एक भी पेड़ नहीं था नोर सिंगल काउ और अ ब्लैक बक ना ही एक गाय देखने को मिल रही थी ना ही कोई ब्लैक बक द ओनली पीपल टू होल्ड व ऑन वर बिग लैंड लोड्स वहाँ जो होल्ड ऑन कर रहे थे लोग माइग्रेट हो गए लोग वहाँ से चले गए उस एरिया में जो बचे थे होल्ड ऑन करके यानी ठहरे थे, थे वो लोग कौन थे बिग लैंड लोड्स बड़े जो जमींदार थे लाइक जम्बा जीज फादर जैसे कि जम्बा जी के फादर विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा जिनके पास बड़े बड़े भंडार थे बाजरा के दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स जो इस डिफ़िकल्ट टाइम में चल गए मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा बचत करके रखी गई थी सिर्फ वही लोग वहाँ रहे बाकी लोग वहाँ से चले गए जम्बा जी जो एक रिच फैमिली से थे उसके फादर लैंडलोड थे जिस वजह से वो वहीं रहे जम्बा जी वो इज मच अफेक्टेड बाय दिस रोड लेकिन उनके मन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ इस अकाल से मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन वेकफुलनेस मैनी वर द नाइट्स बहुत बहुत रातें उन्होंने वेकफुलनेस जाग जाग कर बिताई बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सो अराउंड हिम क्यों बिताई उन्होंने जाग कर क्योंकि जब उन्होंने अपने आस पास की सफरिंग देखी लोगों को पीड़ित होते देखा द डाइंग कैटल मरते हुए जानवर द स्टाविंग चिल्ड्रन स्टाविंग मतलब भूख से मरते हुए बच्चे दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट हॉन्ट करना कोई विचार का आपके दिमाग में बार बार मंडराना यही थूट उनके माइंड में दिन रात आता And finally at the age of thirty four he had a vision. Finally जब वो चौंतीस साल के हुए तो एक दिन उन्हें एक सपना आया विजन यानी dream. He saw मैन intoxicated with his own power, destroying the world around him. उन्होंने सपने में देखा कि एक इंसान जो अपनी ही पावर से इंटॉक्सिकेट इंटॉक्सिकेटेड होना नशे में होना जिस पर अपनी ही पावर अपनी ही ताकत का नशा चढ़ रखा है कि वो अपनी ताकत में एक्साइटेड होकर क्या कर रहा है डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम अपने आसपास की दुनिया को नष्ट कर रहा है एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये सब बदल के रहेंगे इस दुनिया को नष्ट नहीं होने देंगे इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डेजोलेट लैंड जाम्बा जी सो दैट मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे जाम्बा जी ने डिसाइड कर लिया कि अगर इस डेजोलेट हो चुकी सुनी हो चुकी वीरान हो चुकी जमीन पर लाइफ को फिर से लाना है ज़िंदगी फिर से शुरू करनी है तो इंसान को अलग ही तरीके से जीना होगा जैसे वो आज तक जी रहे हैं वो नहीं जी सकते एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीव्स इंसान को जीना होगा नए ही बिलीव्स के साथ यानी विश्वास के साथ और नए ही टेनेट्स यानी सिद्धांतों के साथ यानी इंसान को कुछ सिद्धांतों के साथ जीना पड़ेगा अगर इस दुनिया में वापस से जिंदगी लानी है इस एरिया में जम्बा जी वॉन्टेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी बेर केयर एंड सांगरी ट्रीच जम्बा जी चाहते थे कि धरती फिर से एक बार फिर से जो है कवर हो जाए अबंडेंस यानी बहुतायत से किसकी बहुतायत किसकी प्रचुरता खेजड़ी की बेर केर और सांगरी पेड़ों की ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्रॉलिक अगेन वो चाहते थे कि हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक काले हिरण के झुंड वहाँ से फिर आए वहाँ फिर फ्रॉलिक करे या नहीं, मजे करे एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस और वो चाहते थे कि इन सब के लिए इंसान मेहनत करे जम्बा जी न्यू द वे टू अचीव दिस जम्बा जी अच्छी तरह से जानते थे कि इस एरिया में फिर से हरियाली लाने के लिए क्या करना है एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर फोर्टीन हंड्रेड एट्टी फाइव और साल चौदह सौ पिचासी में उन्होंने अपने मैसेज फैलाने शुरू किए यानी अपने संदेश जो है वो उन्होंने फैलाना शुरू किया अपनी शिक्षा देनी शुरू की हिज मैसेज इंक्लूडेड ट्वेंटी नाइन बेसिक टेनेट्स उनके मैसेज में यानी जम्बा जी के मैसेज में जो थे ट्वेंटी नाइन बेसिक मूलभूत टेनेट्स थे टेनेट्स का मतलब क्या होता है सिद्धांत इट्स टू मेजर कमांड सॉरी कमांडमेंट्स वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल इन ट्वेंटी नाइन मैसेज में से दो मेजर मुख्य जो कमांडमेंट्स से आदेश क्या थे वरअ प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन होता है मनाही या निषेध अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटना और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल और किसी भी जानवर को नहीं मारना ये दो बेसिक सिद्धांत थे जम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज ईगरली एक्सेप्टेड जम्बा जी ने जो ये मैसेज दिया ह्यूमैनिटी का यानी मानवता का एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स और सभी लिविंग थिंग्स सभी जीवित प्राणियों के लिए इज्जत इसको लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया इस टीचिंग्स प्रोम्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर्स जम्बा जी ने जो भी टीचिंग दी जो भी शिक्षा दी उस शिक्षा ने प्रॉम्प्ट किया इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेज उस एरिया के जो सैकड़ों गांव के जो इनहेबिटेंट थे निवासी जो थे उन्होंने क्या करना शुरू किया रिक्लोथ फिर से ढकना शुरू किया अर्थ को विद इट्स ग्रीन कवर अर्थ का ग्रीन कवर क्या होता है पेड़ यानी उस एरिया के लोगों ने जम्बाजी के टीचिंग्स को मानते हुए पेड़ लगाने शुरू कर दिए जम्बाजी फॉलोवर्स वर कॉल बिश्नोइ और ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइनर्स जम्बा जी के फॉलोअर्स को कहा गया बिश्नोई या फिर ट्वेंटी नाइनर्स अगर इंग्लिश में कहा जाए ट्वेंटी नाइनर्स मतलब द पीपल हु बिलीव इन ट्वेंटी नाइन प्रिंसिपल्स बिस् ट्वेंटी नोई नाइन बिश्नोई बिकॉज दे अधर टू जम्बा जीज ट्वेंटी नाइन प्रिसप्ट क्योंकि जम्बा जी ने ट्वेंटी नाइन दिए अवधारणाएं दी और इन लोगों ने माने दे प्रिजर्व द ट्री अराउंड देयर विलेजेज एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स चिंकाराज पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स इन लोगों ने अपने आसपास के ट्रीज को और अपने आसपास के एनिमल्स को प्रिजर्व करना प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है बचाना शुरू किया चाहे वो पी फाउल हो यानी एक बर्ड हो चाहे ब्लैक बग चिंकारा जैसे एनिमल्स हों ग्रेजुअली ग्रेजुअली ने धीरे धीरे देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीच जब लोगों ने पेड़ उगाने शुरू किए तो वो एरिया पूरा का पूरा कवर हो गया पेड़ों से देअर कैटल हैड अबंड ब्राउज अब क्योंकि पेड़ लगे हुए हैं तो जानवरों के पास भी अबंडेंट यानी बहुतायत में ब्राउज थी यानी पत्तियाँ थी देअर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी जमीन को फिर से अपनी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन मिल गया एंड द बिश्नोईज बिकेम ए प्रोस्पेरस पीपल और जो बिश्नोई कम्युनिटी थी वो प्रोस्पेरस यानी समृद्ध लोग बन गए बट आउटसाइड देर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर और जो है आउटसाइड देर टेरिटरी इस टेरिटरी के बाद बाहर की बात की जाए तो ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर सब कुछ पहले के जैसा ही रहा द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर जमीन को अभी भी स्ट्रिप ऑफ किया जा रहा था स्ट्रिप ऑफ करना मतलब हटाया जाना क्या हटाया जा रहा था ग्रीन कवर यानी पेड़ काटे जा रहे थे एंड द डेजर्ट वॉर स्प्रेडिंग कहाँ जम्बाजी की टेरिटरी यानी एरिया से बाहर डेजर्ट फैल रहा था द नाइन्थ डिसेंडेंट्स ऑफ जम्बा जी इज कॉन्टेम्परेरी राव जोधाजी इज नाव ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर अब जो था कई साल बीत गए जम्बा जी के एरिया में इसी तरह से पेड़ उगते रहे लेकिन जम्बाजी के एरिया से बाहर का एरिया रेगिस्तान बनता गया और साल बीते हैं नाइन्थ डिसेंडेंट नवा वंशज जो था जम्बा जी के जो कॉन्टेम्प्रेरी थे समकालीन जो थे कौन थे समकालीन उस, उस समय के राजा राव जोधा जी उनके नवे वंशज यानी काफ़ी सालों बाद कई शताब्दियों बाद जो उनके नवे वंशज थे राव जोधा जी के उन्होंने अब थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लिया था यानी कि अब वो सिंहासन पर आ चुके थे काफ़ी टाइम बीत चुका था तो आगे क्या होता है इस टेल को इस स्टोरी को हम जो है जानेंगे अपने चैप्टर के सेकेंड पार्ट में क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो गई है तो सेकेंड पार्ट में हम इस चैप्टर के टेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे आई होप स्टूडेंट्स की अब तक का पढ़ाया हुआ जितना भी पोर्शन है यू हैव टोटली अंडरस्टूड दैट एंड सपोज इफ़ यू डू नॉट गेट इट देन यू कैन एक्चुअली हैव द री विजिट टू द वीडियो एंड ऑल द वर्ड मीनिंग्स दे हैव बीन अनलिस्टेड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो सो फॉर वर्ड मीनिंग्स यू कैन ब्राउज दैट वीडियो ऑल्सो थैंक यू फॉर नाउ And we'll continue the part in the second video. Okay.